पहले क्या करेंगे आप भाग वाला क्रिया ऐसे कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे दाहिने तरफ से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। ठीक, तो पहले बनाएंगे इसका 25 का फिर 12 का, कितने जोड़े बने दो। अब देखिए अब ये 12 है, 12 में किस संख्या से भाग देंगे कि इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए और उतना नहीं बाहर है जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो। आई बात समझ में? जैसे 4 किया तो 4 करेंगे तो 4 चौका 16 इससे ज्यादा हो गया, हुआ नहीं हुआ। अब देखिए उससे कम बनाओ 3 का, देखिए 3 3 का 9, ठीक है ना, तो लिखेंगे 3 3 3 का 9। अब करते हैं क्या, इसको घटा देते हैं, ये घट गया आपका, कितना बचा 3। अब इसमें 3 जोड़ देंगे हम, कितना हो गया 6। ठीक, अब ये दोनों संख्याओं को एक साथ उठा लिया जाता है, क्या करते हैं दोनों संख्याओं को एक साथ उठा लेते हैं, कितना लिखेंगे 225, कितना हो गया आपका 325। अब देखिए हमने कहा इसको ढक लीजिएगा, 32 बचा, 32 में 6 का पहाड़ आपने देखिए करीब बार उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, 6 बचे 3 6 36 हो जाता है तो 5 बने जाएंगे, यहां पर लिखेंगे कितना 5 और यहां पर कितना लिखेंगे 5। अब इसे 5 का इसमें गुणा करा के इसके नीचे लिख दिया जाता है, तो 5 का पहाड़ 5 का पड़े कितना आएगा 25, हासिल कितना लगा 2, 5 का पहाड़ 6 में पड़े कितना आएगा 30, 30 में 2 में पड़े कितना आएगा 32। अब ये आपका कट गया, तो वर्गमूल कितना आंसर आ गया आपका 35। तो 1225 का वर्गमूल कितना आया 35।